चैनल कशिश की क्लास। तो हमारा स्पोकन इंग्लिश चल रहा था जिसके 7 पार्ट्स हमने कर लिए थे, लेकिन अब हम करेंगे इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी कि विश्राम चिन्ह या विराम चिन्ह। हमने हिंदी, पंजाबी या अदर लैंग्वेजेस में कई बार ये टॉपिक किया है, पर आज हम करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पंक्चुएशन। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, उसको बीच में रोकना हो, उसको फिनिश करना हो, या उसको बीच में कोई रुकावट आ रही है या लास्ट में रुकावट आ रही है या कुछ भी हो, एनीथिंग स्टॉपेज, तो वो जो होता है ना उसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन। उसके लिए हम कुछ मार्क्स का यूज करते हैं, तो वही मार्क्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल कशिश की क्लास को, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन इज द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, कि वो चिन्ह जो किसी वाक्य या वाक्यांशों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो अलग अलग दिखे। अगर दो चीजों का मीनिंग अलग जा रहा है तो वो अलग अलग दिखे, अगर वो सेम है तो वो सेम दिखे। तो उस चीजों को प्रेजेंट करने के लिए जिन मार्क्स का यूज होता है वो होती है पंक्चुएशन। तो ये काफी टाइप्स की होती है, तो हम देखेंगे पंक्चुएशन के पार्ट्स यानी कि टाइप्स। सो दीज आर अवर मार्क्स, यही वो मार्क्स होते हैं जिनका अपने एज ए पंक्चुएशन यूज करते हैं। इनमें देखते हैं कौन कौन से हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कोटेशन मार्क्स, अपोस्ट्रॉफी, एलिप्सिस पॉइंट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, अंडरलाइन, हाइपर, वर्गल। तो ये जितने भी मार्क्स हैं अब हम देखेंगे, फुल स्टॉप से अपने स्टार्ट करेंगे कि कैसे अपने सेंटेंस में इन सब मार्क्स का यूज करते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस होता है जिसमें कोई ना कोई पंक्चुएशन जरूर आती है, इसीलिए पंक्चुएशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप, अ फुल स्टॉप इज प्राइमरीली यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कि जब हमें कोई सेंटेंस को एंड करना होता है, खत्म करना होता है, तब हम यूज करते हैं फुल स्टॉप का, कि हाँ हमने सेंटेंस लिख लिया पूरा या बोल दिया। बोलने में तो पंक्चुएशन यूज नहीं होती है, ओनली राइटिंग में यूज होती है, कि हाँ हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया है तो अब हमें इसे एंड करना है। तो अगर हम बिना पंक्चुएशन के छोड़ देंगे तो वो सेंटेंस का एंड नहीं होगा, इसीलिए पंक्चुएशन इम्पोर्टेंट है, कि पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस खत्म हो रहा है, आगे और है या क्या है, समझ नहीं आएगा बिना पंक्चुएशन के कुछ भी, इसलिए हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं। तो उसके बाद फुल स्टॉप यूज होती है कि जहां पे अपने सेंटेंस का एंड कर रहे हैं, जैसे कि दैट डॉग इज ब्राउन, कि वह डॉग ब्राउन कलर का है। ब्राउन के बाद दैट डॉग इज ब्राउन, फुल स्टॉप, कि हाँ बस इतनी बात है। उसके आगे अपने को कुछ नहीं बताना, दैट डॉग इज ब्राउन, इट इज गोइंग देयर, तो कुछ नहीं है। इसके बाद अगर कुछ होता तो अपने एक और पंक्चुएशन लगा के उस सेंटेंस को आगे ले जाते, लेकिन कुछ नहीं था, सेंटेंस फिनिश हो रहा है, इतनी सी बात थी, तो हमने लगाया फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप यूज होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में या सिंपल सेंटेंसेस में, कि ठीक है बात खत्म हो रही है, ओके। नेगेटिव भी हो सकते हैं वो सेंटेंस, सिंपल भी हो सकते हैं। इंटरोगेटिव में फिर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का यूज होने लग जाता है, वो भी मैं आपको आगे भी बताती हूँ। तो दैट डॉग इज ब्राउन, इतनी सी बात थी, खत्म, ओके, आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप। देखो सेंटेंस में कितनी भी पंक्चुएशंस हो पर सेंटेंस कहीं ना कहीं खत्म तो जरूर होगा ना, बीच में रुक रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद फिर रुक रहा है, इट्स ओके, बट फिनिश होने पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मार्क क्या होता है? दिस। तो फुल स्टॉप एंड में यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉमा, द यूज ऑफ कॉमा, कहाँ यूज होता है कॉमा? बिफोर अ कंजक्शन दैट जॉइंस मेन क्लॉजेस। मैंने आपको कंजक्शन करवाई थी पार्ट ऑफ स्पीच में, अगर आपने अभी तक कंजक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके चेक करो।
जो कंजक्शन मेन क्लॉजेस को जॉइन करती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी होती है? फॉर, एंड, बट, नॉर, ये जो कंजक्शन होती है ना वो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो मेन क्लॉजेस को जोड़ रही है। मेन क्लॉजेस जैसे कि बोर्ड फॉर मी, फॉर बोर्ड और मुझे ज्वाइन कर रहा है, एंड मी एंड माय फ्रेंड, ओके मी और माय फ्रेंड। तो इस कंजक्शन से पहले कॉमा आता है। कॉमा का मार्क कैसे होता है? ऐसे, एक छोटा सा डैश। कॉमा हमेशा नीचे लगता है, नीचे यहां इन द बॉटम, ओके। तो बिफोर अ कंजक्शन दैट जॉइंस मेन क्लॉजेस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले आएगा कॉमा, उसके बाद है सेपरेट आइटम्स इन सीरीज, कि एक सीरीज है उसमें आइटम्स बहुत सारे इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बैग, नोटबुक, बुक, ज्योमेट्री, कंपास, डिवाइडर, तो ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे तो नहीं लिखते जाएंगे ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड ऑल, नहीं, इनके बीच में आएगा कॉमा। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, तो यहाँ पे यूज होता है कॉमा कि एक सीरीज में थिंग्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे चार पांच लोगों के नाम दिए हुए हैं इकट्ठे, पर अब हम उनको सीधा तो नहीं लिख सकते ना, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा आएगा। आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप, इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप कौन सा होता है? जैसे कि हम वर्ड्स यूज करते हैं देयरफॉर, देयरआफ्टर, फाइनली, जब हम लिखते हैं फाइनली तो हम लगाते हैं ना इसके बाद कॉमा, कि मतलब फाइनली आई डिड इट, कि फाइनली मैंने ये कर लिया, देयरफॉर कॉमा व्हाटएवर द सेंटेंसेस। तो इन जगह पे यूज होते हैं हमारा कॉमा। इसके बाद देखते हैं हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन, फुल स्टॉप एंड कॉमा हो गया, अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन। सो कॉलन, कॉलन कहाँ यूज होता है? टू गिव एम्फेसिस प्रेजेंट डायलॉग, इंट्रोड्यूस लिस्ट और टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई कंपोजिशन टाइटल्स। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, देखो ये सीरीज में चल रहा है ना, अपने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, एंड इससे पहले कॉमा लगाया, सेंटेंस एंड हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। तो ऐसे यूज होते हैं कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। तो अब हम टॉपिक क्या है? कॉलन। कॉलन का यूज होता है एम्फेसिस प्रेजेंट डायलॉग्स, कि कोई डायलॉग चल रहा है, कशिश, कशिश ही, ऐसे करके डायलॉग चल रहा है, ठीक है। अब मैं जो बोलूंगी वो लिखने से पहले कॉलन आएगा, ओके, ही कॉलन टू प्रेजेंट डायलॉग्स, ओके। उसके बाद है इंट्रोड्यूस लिस्ट और टेक्स्ट, कि अपनों को लिखना है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना वो सब चीजें मुझे चाहिए, जैसे कि आई वॉन्ट दीज थिंग्स, कॉलम नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, ओके, यहाँ पे यूज होगा। एंड क्लैरिफाई कॉम्पोजिशन टाइटल्स, जैसे कि अपने लिखते हैं कोई डेफिनेशन देनी होती है अपनों को, अपने पहला वर्ड लिखते हैं, जिस चीज की अपने को डेफिनेशन देनी होती है उसको अपने बोलते हैं हेडिंग, हेडिंग लिखते हैं,
या टाइटल लिखते हैं, उसके बाद अपने कॉलन लगाते हैं, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे यूज होता है कॉलन। तो नेक्स्ट है हमारा सेमी कॉलन। तो नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मार्क क्या होता है? पहले डॉट, नीचे कॉमा, एक डॉट और एक कॉमा, ये होता है सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का यूज होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए। अगर एक क्लोज इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, अगर हमें उनको जोड़ना है तब तो हम यूज करेंगे कॉमा का, पर जब दोनों ही इंडिपेंडेंट है तब हम यूज करेंगे सेमी कॉलन का। यूज ये कॉमा की जगह पे ही होता है, पर जब दोनों क्लोजेस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो होता है सेमी कॉलन का यूज। अब दोनों डिपेंडेंट है तब तो ऑब्वियस सी बात है कॉमा का यूज होगा, लेकिन जब दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब यूज होगा सेमी कॉलन का। जैसे however, however से पहले आएगा, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो पहले आएगा सेमी कॉलन। अब इसकी जगह पे बट है, इससे पहले आएगा कॉमा क्योंकि ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमी कॉलन, डिपेंडेंट या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कॉमा। यूज सेम है पर रूल्स अलग है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज या एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ओके, तो नेक्स्ट पंक्चुएशन देखते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप सेम होते हैं, सेंटेंस एंड पे ही यूज होते हैं, लेकिन जब सेंटेंस का मीन चेंज हो रहा है, जब सेंटेंस ही इंटरोगेटिव है तो हम फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते। ओके, तब हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, और अब हम फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, आंसर में फुल स्टॉप लगा सकते हैं पर क्वेश्चन में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा, नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप आएगा, पर यदि मीन इंटरोगेटिव में चेंज हो जाता है तो आएगा क्वेश्चन मार्क। बाकी पूरा मेथड सेम है, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स आर सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट। देखते हैं हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन। तो राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। राउंड ब्रैकेट्स यूज होते हैं कि पैराग्राफ चल रहा है, अपने लिख रहे हैं, पर अब अपने को बीच में उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन यानी कि अतिरिक्त जानकारी साझा करनी है। चल रहा है अब पैराग्राफ, वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना पूरा पैराग्राफ होता है। फर्दर इंफो, राउंड ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये थोड़े से बड़े होते हैं। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर मेन चीजें आती हैं, जैसे कि कोई प्रपोजल हो गया या कुछ इस टाइप की चीजें होगी। ये पैराग्राफ के बीच में नहीं आते हैं, ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स पैराग्राफ के बीच में नहीं आते, राउंड ब्रैकेट्स पैराग्राफ के बीच में आ सकते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में राउंड ब्रैकेट्स आ सकते हैं, बट राउंड ब्रैकेट्स के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आ सकते। ये हमारे ब्रैकेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी पंक्चुएशन हमारी। तो नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स ज्यादातर स्क्रिप्ट में यूज होते हैं, जैसे कि किसी की कही हुई कोई बात लिखनी है, जैसे कि आई सैड और ही सैड कॉमा। तो हम ये मार्क्स यूज करेंगे और जहां पे ये खत्म हो जाए वहां पे ये मार्क्स, एंड फुल स्टॉप इज ऑलवेज कॉमन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी का यूज तो हम जनरली करते ही हैं,
इसका मेन यूज होता है एस के साथ, कि जब हमें लिखना होता है कि ये उसका है, या जैसे कशिश का घर, वी हैव राइट कशिश का घर इन इंग्लिश कशिश। अब का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी हाउस। ओके, उसके बाद अगर हमें शॉर्ट फॉर्म्स बनानी हो, जैसे कि डू नॉट का अपने डोंट कर देते हैं, कैन नॉट का अपने कांट कर देते हैं, यहाँ पे अपने अपोस्ट्रोफी का यूज किया, तो ये होता है अपोस्ट्रोफी मार्क। ओके, ये आता है ऊपर, जैसे कॉमा हमेशा बॉटम में आता है, ये हमेशा हेड पे आता है, ऊपर आता है। ओके, तो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन, एलिप्सिस पॉइंट्स। क्या होता है इसका मार्क? ये तीन डॉट कहाँ यूज होते हैं? पैराग्राफ में लास्ट में अगर कुछ रेलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, तो चाहे तो अपने उसको ना लिखें, बट अपने सामने वाले को शो तो करवा ही सकते हैं कि आगे कुछ है, बट वो इतना जरूरी नहीं है, तो उसके लिए स्पेस बचाने के लिए ये तीन पॉइंट्स यूज होते हैं टू रिड्यूस द स्पेस। ओके, एलिप्सिस पॉइंट्स आर यूज टू रिड्यूस द स्पेस, कि कुछ मोस्ट रेलेवेंट नहीं है बट हम शो कराना चाहते हैं कि इसके आगे कुछ है, उसके आगे भी हम इम्पोर्टेंट से ही स्टार्ट कर देंगे पैराग्राफ, बट बीच में हम वो थ्री डॉट्स छोड़ सकते हैं, एलिप्सिस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्पेस भी बच जाए, टाइम भी बच जाए। ओके, ये होते हैं एलिप्सिस पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा पंक्चुएशन है। सो नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? मैंने आपको नरेशन में भी बताया था कि जब कोई सरप्राइज्ड सेंटेंस की बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, तो हम यूज करते हैं इस मार्क। कैसे? हिंदी का पूर्ण विराम, इंग्लिश का फुल स्टॉप। ओके, ये है मार्क का यूज करते हैं। वाओ, जॉय या व्हाट अ वेरी, तो मतलब जब कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो रहा हो ना, तब हम यूज करेंगे इस मार्क का, कि एक्सप्लेन कर रहे हो अपने जॉय के साथ, दुख के साथ, गुस्से के साथ, सरप्राइज के साथ, किसी भी चीज के साथ, बहुत ही सरप्राइजिंग फीलिंग आ रही है, तो हम यूज करेंगे इस मार्क का। ओके, ये हम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पंक्चुएशन कौन सा है। तो ये हमारे लास्ट पंक्चुएशन, अंडरलाइन, हाइफन या वर्ग। अंडरलाइन, एक पैराग्राफ में वो चीजें अंडरलाइन होती हैं जो कि पैराग्राफ से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैसे कि कोई बुक का नाम आ गया, कोई सॉन्ग का नेम आ गया, कोई मूवी का नेम आ गया, कोई प्लेन का नेम आ गया, कोई कंट्री का नेम आ गया, तो उस चीज को हम अंडरलाइन करते हैं ताकि वो अलग से दिखे। अंडरलाइन करके या तो हम उसे इटैलिक, थोड़ी सी इटैलिक हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं, जैसे कि हमें कोई बुक का नेम लिखना है और हेलो, इसे हम थोड़ा सा तीखा दिखाया, कुछ अनदर लैंग्वेज में या कोई और डिजाइन देख के लिख सकते हैं। अगर हम सिंपल
देंगे। ये होता है उस चीज को अलग दिखाने के लिए। उसके बाद है हाइफन। हाइफन यूज होते हैं दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि इको फ्रेंडली, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो ये है हाइफन जो कि यूज करते हैं दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद है वर्टिकल यानी कि ऑब्लिक। इसका दूसरा नाम है ऑब्लिक, इसे स्लैश भी बोलते हैं। इसका यूज होता है अल्टरनेटिव के लिए। अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प, कि दो चीजें सेम है, हमें उनमें से किसी एक को चूज करना है। लाइक सेम नहीं है पर हमें चूज एक को ही करना है, एंड या और या डार्क लाइट, हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहिए, हो गया अल्टरनेटिव। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्गिल यानी कि ऑब्लिक यानी कि स्लैश का। तो ये थे हमारे पंक्चुएशन जिनका यूज हम करते हैं पैराग्राफ्स में, सेंटेंसेस में या और भी बहुत सारी चीजों में। तो किसी भी लाइन को राइट करते टाइम पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल कशिश की क्लास को। थैंक यू।